बारिश के मौसम में पकौड़ी भजिया फिलौरी तो सब बनाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता ही ऐसा है जो मन को लुभा लेता है। पकौड़ी भजिया तो बहुत बना ली आपने, आज मेरे तरीके से आप आलू मूंग दाल मंगोरा बना के खाइए। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शबीना। मैं आपका शबीना जी के किचन में वेलकम करती हूँ। आलू मूंग दाल मंगोरा बनाने के लिए मैंने एक कप मूंग दाल को 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। हमें मूंग दाल छिलके वाली लेना है। आप धुली मूंग भी ले सकते हैं, पर छिलके वाली मूंग दाल हेल्दी होती है, सेहत के लिए ज्यादा अच्छी होती है। छिलका इसका हमें नहीं निकालना है। अब इसे हम फटाफट से मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें 4 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का डालेंगे। अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो आप मिर्च 2 ही डालें। तो लीजिए, इसे हमने बारीक पीस लिया है। अब इसमें हम 2 प्याज मीडियम साइज, जिसे मैंने पतला पतला काट लिया है, उसे भी डाल देंगे। तीन आलू को कद्दूकस किया है, उसे भी डालेंगे, पर हम आधा ही डालेंगे। 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, जिसे हल्का सा क्रश कर लिया था, इससे मंगोरों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, उसे भी हम डाल देंगे। अब इसमें हम हरी धनिया की पत्ती, जिसे बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो आप मिर्च कम डालिए। और अब हम मंगोरों में 1 कप बेसन को बोलने के लिए डालेंगे। यहाँ पर आप बेसन की जगह आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। मेरे पास बेसन है तो मैं बेसन ही डालूंगी। अब इन सभी चीजों को दबाकर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक की वजह से प्याज आलू पानी छोड़ता है, इसलिए प्याज आलू बेसन को थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। थोड़ा नमक भी ऐड कर देंगे। इन सभी चीजों को अगर हाथ से अच्छी तरह से फेटेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम अच्छी तरह से फेटेंगे। तो लीजिए, मंगोरों का बैटर भी तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब एक एक करके मंगोरे हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। आप इसे गोल भी बना सकते हैं, पर उसमें आलू प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें सिर्फ नमक, बेकिंग पाउडर और सोडा डालकर बनाते हैं। मैं बना रही हूँ पकौड़ा स्टाइल मंगोरा, वो भी आलू प्याज का। अब इसे उलट पलट करके लाल होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है ताकि मंगोरे क्रिस्पी बने। ये देखिए, हमें इस तरह का कलर रखना है। ये देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। चलिए तो इसे निकाल लेते हैं। बाकी के मंगोरों को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, मंगोरे तो तैयार है। ऐसे चटपटे मंगोरे बारिश के महीने में कौन नहीं खाना चाहेगा। मेहमान हो या किट्टी पार्टी, ये सबका दिल जीत लेगा। ये टेस्टी क्रिस्पी मंगोरे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किस किस को मूंग दाल के मंगोरे पसंद है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहो।